भारत माता की हमारी बहनें बैठी हैं, हर भाई घर पे आया है। जब भाई घर पे आता है तो बहनों की आवाज बहुत ऊंची हो जाती है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के इस मेले में आप सब बहने पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि, आप जिस भूमि पर मां जयंती देवी की ये ऐतिहासिक नगरी है, आज आप यहां एकत्र आई है। मैं आप सबका आज इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको इस हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि सावन का पवित्र ये महीना और बेटियों बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। तीज महोत्सव में आना मेरे लिए ये गर्व की बात तो है। मैं सभी बहनों का स्वागत और अभिनंदन मैं दोनों हाथ जोड़ करके करता हूं। आप सबको तीज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर, आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहने भाई के फलने फूलने की कामना करती हैं। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से बाग बाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें
अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी। ये भी हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। हमने अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से भी मैं अपनी लखपति दीदी जिन्होंने सफलता के हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर झंडे गाड़े हैं, मैं उनको और दूसरी बहनों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लखपति दीदी की ये शुरुआत की थी। हरियाणा में 2,00,000 बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। लगातार हम उस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम चरण में 62,000 बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाना हमारा लक्ष्य है। आपके प्रयास से आज हरियाणा में बेटियों को कोख में ही मार देने का जो कलंक था, आज वो भी मिटा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है कि जो ये कुप्रथा थी, जो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, परंतु उसकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया, ये भारत माँ के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से इस अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से किया। आज मुझे ये गर्व है बताते हुए आप सब बहनों के बीच में कि आज हरियाणा ने जो मजबूती से कार्य किया है, उसमें लिंगानुपात की दर को सुधारा है। आज 1,000 के पीछे 941 बेटियां हमारी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। इस अभियान के दूसरे चरण में मैंने आज एक मोबाइल वैन का भी यहाँ पर वो शुभारंभ किया है। आपकी बेटी हमारी बेटी ये योजना हमारी सरकार के अंदर ये 4,91,000 हमारी बेटियों को जन्म पर उनके जन्म के अवसर के ऊपर 21,000 रुपया देने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने पर भी बल दिया गया है और उसकी चर्चा हमारे यहाँ से की गई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, माँ बाप बेटियों को दूर भेजने में हिचकिचाहट होती थी। अगर बेटी पढ़ने के लिए जाती थी
तो जब तक वो घर पर नहीं आ जाती थी उसको चिंता रहती थी, परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने 2014 के बाद ये निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा राजकीय कन्या विद्यालय उपलब्ध होगा। और उसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बना करके उस कार्य को पूरा करने का काम आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की होनहार छात्राओं को भी आज हमारी सरकार सम्मानित कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 32 कन्या महाविद्यालय खोलने का कार्य किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 62 कन्या विद्यालय वो हैं जिससे हमारी बेटिये अच्छी शिक्षा नजदीक में ही प्राप्त कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज 36 महिला आईटीआई स्थापित भी हमारी सरकार ने इन पिछले दिनों के अंदर बेटियों के लिए की है। आईटीआई में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपया वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये आप लोगों के बहनों के बीच में बताते हुए ये मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बेटियों को उच्चतर शिक्षा हेतु ऐसी 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 28 लाख रुपए के ऋण देने का भी पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। मुझे ये भी बताते हुए आज बहनों के बीच में ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी बेटियों को स्नातकोत्तर तक उनका कोई फीस नहीं लगता, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी बेटिये शिक्षा खेल अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दे रही है। अभी पेरिस के ओलंपिक में 2 पदक जीत करके हमारी बेटी मनु भास्कर ने आज इतिहास रचा है, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है हमारी हरियाणा की बेटी। मैं आज इस मन से अपनी बेटी मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते कि हरियाणा को देश का प्रगतिशील राज्य बनाने में मेरी बहनों की एक बड़ी भूमिका इसमें है। आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन करके अपने परिवार को अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मेरे सामने उपस्थित ज्यादातर बहनें स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। 6 लाख महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा सिद्ध किया है कि हम समाज की सच्ची शक्ति हैं। इसके लिए मैं आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों इसी पिछले महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में रोहतक के हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन्नति की बहनों की उनके कार्यों की भी सराहना मन की बात के अंदर की है, जिन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश ने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नाम ऊंचा किया है। मुझे ये भी खुशी है अपनी सभी बहनों को बताते हुए कि सरकार लगातार ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज विधान पालिका में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में एक नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए
और ये अधिकार अपनी बहनों को देने का काम किया है कि वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी बहनों के लिए किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आज पंचायती राज में भी हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 50% प्रतिनिधि देने का काम भी ये हमारी सरकार ने बहनों को किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें हैं, जो राशन की दुकानें वो करती हैं, उनको इसमें 33% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए अपनी बहनों के बीच में ये गर्व हो रहा है कि जो हमारी बहनें होटल प्रबंधन में प्रशिक्षण दिलवा करके ऐसी 230 कंटीन महिलाओं को दी गई हैं, उन्होंने खोलने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि 50,000 हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की को 60 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी के रूप में देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये मुझे बताते हुए खुशी है कि 28,000 हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 341 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में हमारे सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 57,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,314 करोड़ रुपए की राशि बैंक लोन के रूप में बहनों को देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। उत्पादों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि एक सांझा बाजार होगा और उस सांझा बाजार को लगातार खोलने का काम, ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अपने सामान को वहां पर बेच सके और उनकी अच्छी कमाई हो, उनको लाभ वहां पर मिले, इसको लेकर के सांझा बाजार भी खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उन बहनों को बस स्टैंड के अंदर वो दुकानें भी देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को वो बेच सके, उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हमारी सरकार ने बस स्टैंड के अंदर भी उन बहनों को दुकानें देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 1,581 गृह विधवाओं को रोजगार के लिए 9,38,00,000 रुपए के ब्याज रहित ऋण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि 487 महिला उद्यमियों को 8,70,00,000 रुपए की राशि के ऋण 7% ब्याज सब्सिडी पर दिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी 657 बहनें सामुदायिक सेवा केंद्र CSC का संचालन कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना में 41,000 से बढ़ा करके 71,000 रुपए की सगन राशि देनी दी जा रही है, इसको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी ये हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है। चाइल्ड केयर लीव के लिए भी अर्जित अवकाश की शर्तों में छूट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए आज बहनों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का ये निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 8,45,000
हमारी गर्भवती बहनों को 340 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को, 3 लाख महिलाओं को फोर्टिफाइड दूध, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में छात्राओं को सैटनी पैड उपलब्ध कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान में 3,33,000 हमारी महिलाएं, 12 लाख बच्चों का टीकाकरण भी करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो गर्भवती बहनें को अस्पताल ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारी सरकार द्वारा वो चलाई जा रही है। प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने स्थापित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है कि हमारी बहनों को अगर कोई क्राइम होता है, कोई अत्याचार होता है, अब वो अपनी आवाज को नहीं दबा सकती, अब अपनी आवाज को वो मुखरता से आकर के रख सकती है। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1,091 को अब हरियाणा 112 के साथ जोड़ने का भी निर्णय किया है। और हमने हमारी सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की भी स्थापना हमारी सरकार ने की है। हम महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज यह तीज का पर्व है और ये हरियाली के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी बहनों के बीच में एक अपील करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को एक अभियान की शुरुआत की थी, एक माँ एक पेड़ माँ के नाम, ये लगाने का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। आज मैं सभी बहनों के बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी बहनें आज ये हरियाली थी जो हरियाली से जुड़ा हुआ ये विषय है, हम एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य अपने आंगन में, अपने आंगन के बाहर या कहीं भी पार्क के अंदर लगाने का काम करें, जिससे ये वायु पोल्यूशन हो रहा है, वायु पोल्यूशन के साथ साथ जिस प्रकार का वातावरण भी आजकल गर्म हो रहा है उसके अंदर एक बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी बहनों को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब मैं आज इस तीज महोत्सव के बीच में अपनी बहनों के बीच में आया हूँ तो मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में मैं आज यहाँ पर कहना चाहूंगा। मैं आज जब इस कोठली को आप खोलेंगी तो इसमें गुलगुले, सुहाली, बतासे आदि चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज जो ये कोठली आप सब बहनों को दी है, ये भाई का फर्ज है कि बहनों को मजबूत करना, उनको सुरक्षित करना, और उसको लेकर के आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आज अपनी बहनों को आज इस बात के लिए एक घोषणा करता हूँ कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं,
ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा, इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, नहीं तो धुएं के कारण आंखें खराब हो जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने यह निर्णय किया कि किसी माता बहन की धुएं के कारण आंखें खराब नहीं होंगी, और उसको लेकर के आज मैं ये घोषणा की है कि हमारी बहनों को अब ये 46 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 500 रुपए में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज मैं दूसरी घोषणा ये करता हूं कि हमारी जो बेटियां हैं, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत 14 से लेकर के 18 साल तक की बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड दूध देना होता है, यह सप्ताह में 3 बार यानी साल में 150 दिन दिया जाता है। इससे स्कूलों में दाखिल 2,65,000 बेटियों को लाभ मिलेगा। आज ये भी घोषणा करता हूं कि 14 साल से लेकर के 18 साल तक की बेटियों को भी ये 45 दूध देने की व्यवस्था ये शुरू हो जाएगी। मुझे ये बता एक और ये घोषणा करते हुए बहनों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के तहत पहले ये ऋण 3 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके मैं 5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। अब हमारी बहनों को ये 5 लाख रुपए उपलब्ध होगा। मैं एक और ये घोषणा करता हूं कि जो हमारी स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बहनों को दैनिक जरूरतों के लिए मिलने वाली 20,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड राशि को भी बढ़ा करके मैं 30,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। मैं आज जो समूह सखी को मिलने वाला जो 150 रुपए 150 रुपया जो मासिक मानदेय था उसको भी बढ़ा करके मैं 500 रुपए करने की आज घोषणा करता हूं। मैं आप सब बहनों को आज इस तीज के इस पावन पर्व के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बहनों की चिंता करते रहते हैं, और मेरा आग्रह है कि आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और इस डबल इंजन सरकार को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और झूठ का पिटारा खोलते हैं, झूठ बोल करके चले जाते हैं, परंतु वो लोग देखते रहते हैं, उन तक लाभ नहीं पहुंचता, परंतु हमारी सरकार जो बोलती है उसको करती है और उसको धरातल पर भी उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। आज मैं पूरे प्रदेश से हमारी बहनें आज आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोर जोर जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे।